हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर सीमेंस लिमिटेड की Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 17% से गिरा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो इस क्वार्टर में 17% की गिरावट है रेवेन्यू में, और इस क्वार्टर में 3500 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो 22% से गिरा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो क्वार्टरली वाइज कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा गिरा है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा गिरा है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वो 21% से इंक्रीज हुआ है, लाइक पिछले दिसंबर के क्वार्टर से। ये दिसंबर का क्वार्टर अगर आप देखते हैं तो 21% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बट द थिंग इज जो नेट प्रॉफिट है वो अगेन 6% से गिरा है पिछले दिसंबर के क्वार्टर से ये दिसंबर के क्वार्टर। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है 2576.85 रुपीज़, मतलब 2576.85 रुपीज़, बट करेंटली 2422.80 का आज का क्लोजिंग है और 0.64% डाउन था। तो जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये शेयर आपको और भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, और तो उसी लिए अगर आपने ट्रेड लेने का सोचा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बैड रिजल्ट्स आए है। ओके, तो आई होप कि आपको सीमेंस लिमिटेड के Q3 के नंबर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।